हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में अठारह की क्रांति के समय हुए आउवा के विद्रोह के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट एवं सेलेक्टेड पॉइंटों पर हम डिस्कस करेंगे तो चलते हैं आज के टॉपिक आउवा के विद्रोह की तरफ आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आउवा के विद्रोह के बारे में वो भी स्टेप बाई स्टेप संपूर्ण रूप से ठीक है यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट एक एक स्टेप बाई स्टेप समझाया जाएगा एक एक पॉइंट बताया जाएगा इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वीडियो को अंत तक अवश्य पढ़िएगा देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 1835 में कंपनी सरकार द्वारा जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ थ्योरी हैं क्वेश्चंस और थ्योरी के माध्यम से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कम्प्लीटली तो समझिएगा कि वर्ष 1835 में कंपनी सरकार के द्वारा जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी का गठन कहाँ पर किया गया था तो एरनपुरा में किया गया था और एरनपुरा वर्तमान में सुरोही जिले के शिवगंज तहसील में पड़ता है ये बात याद रखना है अब देखिए इसको क्यों गठित किया गया उसके बारे में समझ लीजिएगा कि अठारह ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर सेना के सवारों पर अकसुल होने का आरोप लगाकर जोधपुर लीजियन का गठन किया और इसका केंद्र कहाँ रखा गया एरनपुरा रखा गया इस प्रकार एरनपुरा छावनी की क्या हुई थी स्थापना हुई थी अठारह की क्रांति के समय भारत राजस्थान के अंतर्गत कुल छः छावनियाँ थीं ठीक है तो उनमें से एक छावनी थी एरनपुरा छावनी और इसकी स्थापना 1835 में की गई थी जोधपुर लीजियन के नाम से पॉइंट क्लियर यहाँ तक जोधपुर लीजियन में 600 घुड़सवार और 1400 पैदल सैनिक थे इस लीजन के नब्बे सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू गए हुए थे माउंट आबू ए का क्या था ग्रीष्मकालीन मुकाम था उस टाइम पर ठीक है पॉइंट क्लियर हो गया अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पर कि एरनपुरा स्थित जोधपुर लीजियन की किस सैनिक टुकड़ी ने अठारह में विद्रोह किया था ठीक है अब बात आती है कि एरनपुरा की जो छावनी थी इसमें से किस सैनिक टुकड़ी ने क्या किया था विद्रोह किया था अठारह की क्रांति के समय तो सही आंसर है इसका पूर्वीय सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया था और यह विद्रोह 21 अगस्त अठारह को माउंट आबू में किया था अब क्यों विद्रोह किया था उसको समझिएगा आप कि जोधपुर लीजन की पूर्वीय सैनिकों की एक टुकड़ी को माउंट आबू के निकट अनाद्रा में रोवा के ठाकुर रोवा सरोही में पड़ता है ठीक है तो अनाद्रा में रोवा यानी सरोही के ठाकुर को विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया था पॉइंट क्लियर हो गया तो याद रखना कि जो पूर्विया की जो सैनिक टुकड़ी थी इसको रोबा के ठाकुर के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था इस माध्यम से अपना अभ्यास भी कर सकते थे और यहाँ के विद्रोह को दबा भी सकते थे पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक अब बात करता हूँ नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि इसी टुकड़ी ने 21 अगस्त अठारह को माउंट आबू में क्या कर दिया विद्रोह कर दिया और क्रांतिकारियों ने कई अंग्रेजों को क्या कर लिया बंदी बना लिया इसके बाद में वे 23 अगस्त अठारह को एरनपुरा वापस आ गए तथा जोधपुर लीजन के दफेदार मोती खां एवं सूबेदार शीतल प्रसाद के नेतृत्व में एरनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया एवं छावनी को लूटकर चलो दिल्ली मारो फरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर कूच किया ये थी सभी क्रांति की शुरुआत की सभी बातें एक एक पॉइंट को याद रखना आपको कि अठारह की क्रांति के समय एरनपुरा छावनी की किस टुकड़ी ने विद्रोह किया पूर्विया सैनिक टुकड़ी ने कब विद्रोह किया 21 अगस्त अठारह को कहाँ पर विद्रोह किया था माउंट आबू में किया था चलो दिल्ली मारो फरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने लगाया था तो आपको बता देना एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने पॉइंट क्लियर तक अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में में कि किस सैनिक छावनी चलो दिल्ली मारो मेंंगी का नारा लगाते हुए विद्रोह किया गया था तो एरनपुरा छावनी में किया गया था यह ये क्रांतिकारी सैनिक अब देखो दिल्ली निकल गए थे चलो फरंगी चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए ये दिल्ली की ओर निकले थे एक क्रांतिकारी और एक क्रांतिकारी रास्ते में आ हुआ पहुंचे वहां से निकलने के बाद एरन से निकलने के बाद में रास्ते में कहाँ पर पहुंचे आउवा पहुंचे जो पाली जिले में पड़ता है ठीक है उस समय आउवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत थे ये उन, उनसे मिले पूर्विया के सैनिक टु, टु, सैनिकों के इस पलटन ने दो बार एक बात ये समझ लेना इंपॉर्टेंट है ये बात भी कि विद्रोह करने के बाद में जो पूर्वी सैनिकों की टुकड़ी थी उसने दो बार समर्पण करने हेतु अंग्रेजों के पास संदेश भेजा था बसरते कि इन्हें माफ़ी प्रदान की जाए प्रथम बार अब्बास अली के माध्यम से इन्होंने समर्पण करने हेतु अंग्रेजों के अंग्रेजों के पास संदेश भेजा और दूसरी बार बार आउआ के ठाकुर कुसाल सिंह चंपावत के माध्यम से इन्होंने समर्पण करने हेतु संदेश अंग्रेजों के पास भेजा था अब बात समझना कि इन्होंने विद्रोह तो कर दिया पूर्वीय सैनिक टुकड़ी ने क्या कर दिया माउंट आबू में विद्रोह तो कर दिया लेकिन उसके बाद में इन्होंने क्या सोचा कि अंग्रेजों के साथ समर्पण कर लिया जाए और उनके साथ संधि कर ली जाए और दो बार उनके अंग्रेजों के पास समर्पण हेतु संदेश भिजवाया गया और शर्त ये थी कि उन्हें माफ कर दिया जाए उनसे कोई उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की जाए तो दोनों बार की संदेश मैंने बता दिए कि पहला संदेश अब्बास अली के माध्यम से गया था दूसरा संदेश कुशाल सिंह चंपावत के माध्यम से गया था अब देखो उस संदेश का होता क्या है कि आउवा के ठाकुर कौशाल सिंह चंपावत ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोंक मैसन के पास दूत भेजकर क्रांतिकारियों के समर्पण की इच्छा की सूचना भेजी परंतु लॉर्ड केनिंग द्वारा स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों को माफ करने की शर्त पर समर्पण स्वीकार करने पर रोक लगा दी जाने के कारण मोक मेसन आउआ ठाकुर की समर्पण की प्रार्थना को स्वीकार न कर सका और फलस्वरूप आउवा के ठाकुर कौशाल सिंह चंपावत क्रांतिकारियों के साथ हो गए और उन्हें अपना नेतृत्व प्रदान किया अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं कि देखिए अठारह की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे इन्होंने सभी स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि अगर कोई भी सैनिक छावनी कोई भी सैनिक अगर विद्रोह करता है तो विद्रोह करने के बाद में अगर वह माफ़ करने की शर्त पर समर्पण करता है तो उसको माफ़ ना किया जाए और उसके समर्पण को स्वीकार ना किया जाए तो उस समय जोधपुर के एक पॉलिटिकल एजेंट कौन थे मोंग मेसन थे और इनके पास कुषात सिंह चंपावत ने पूर्विया के सैनिकों की जो टुकड़ी थी उसके समर्पण की इच्छा भेजी शर्त ये थी कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए तो फलस्वरूप मोंग मेसन के पास ये अधिकार नहीं था उन्हें माफ करने का अधिकार नहीं था और उनको समर्पण करने की जो शर्त थी उसको स्वीकार करने का अधिकार नहीं था तो मोग मेसन इस शर्त को स्वीकार नहीं कर पाया और उन्हें और इस प्रकार उन्होंने पूर्विया की सैनिक टुकड़ों ने टुकड़ी के जो सैनिक थे उन्होंने समर्पण करने की जो इच्छा थी वो भी खत्म कर दी और जो आ के ठाकुर कुसार सिंह चंपावत चंपावत थे उन्होंने भी उनके साथ दिया उनका साथ देकर उनको नेतृत्व प्रदान किया अब आगे की उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में अंग्रेज़ों के मध्य में और क्रांतिकारियों के मध्य में बिथौड़ा का युद्ध होता है और ये बिथौड़ा का जो युद्ध है ये पाली जिले में होता है बिथौड़ा का मैदान पाली ज़िले के अंतर्गत है और ये जो बिथौड़ा का युद्ध है आठ सितंबर अठारह को किया गया होता है ठीक है इस युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध भी कहते हैं ये बात आपको याद रखनी है कि किस युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध कहते हैं बिथौड़ा के युद्ध को कहते हैं इस युद्ध में क्या था कि ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन तो हितकोट की संयुक्त तो सेना को क्या किया था पराजित किया था तो याद रखना कि बिथौड़ा के युद्ध में एक तरफ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी थे और दूसरी तरफ जोधपुर की जोधपुर के महाराज तख्त सिंह की सेना और अंग्रेजों की सेना यानी कैप्टन हितकोट के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना थी तो इन संयुक्त सेना को क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया पराजित कर दिया और 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के जो प्रमुख थे अनार सिंह और फौजदार राजमल को क्या किया मार गिराया इन्होंने क्रांतिकारियों ने एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से सेना प्रमुख मारे गए थे बिथौड़ा के युद्ध में जोधपुर सेना के अनार सिंह और फौजदार राजमल मारे गए थे पॉइंट क्लियर अब उसके बाद में क्या होता है कि इस युद्ध में क्रांतिकारियों के साथ आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह आलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह और गुलर के ठाकुर बिशन सिंह तथा लाम्बिया दंतावास और रूदावास के जागीरदार भी शामिल थे पॉइंट क्लियर यहाँ तक अब उसके बाद में क्या होता है कि अनार सिंह और राजमल के मारे जाने के बाद में कुशलराज भी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना क्या हो गई पीछे हट गई थी ये बात याद रखनी है अब देखिए जब ये जोधपुर की सेना और क्रांतिकारियों के बीच में जब युद्ध हुआ था उस युद्ध से पहले की बात यह है कि ये जो ए जी जी पैट्रिक लॉरेंस थे उस समय राजस्थान के एजी जी कौन थे पैट्रिक लॉरेंस थे और पैट्रिक लॉरेंस ने जोधपुर महाराज की जो सेना थी उसको द डांसिंग ऑर्डर लाइज ऑफ द रिविल्स कहा था ये बात आपको याद रखना है कि ए जी जी पैट्रिक लॉरेंस का कथन द डांसिंग ऑर्डर लाइज ऑफ द रिवेल्स किस युद्ध से संबंधित है बिथौड़ा के युद्ध से संबंधित है पॉइंट क्लियर हो गया और ये जोधपुर की सेना के प्रति कहा था ए जी जी पैट्रिक लॉरेंस ने पॉइंट क्लियर अब उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में होता है चेलावास का युद्ध यानी बिथौड़ा के युद्ध के बाद में चेलावास का युद्ध होता है ये भी पाली जिले में ही पड़ता है और ये अट्ठारह 18 सितंबर अठारह को हुआ था ये बात याद रखनी है क्लियर इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की सेना को पराजित किया ठीक है उस समय तो उन्होंने कैप्टन हितकोट व जोधपुर की जोधपुर सेना को की जो संयुक्त सेना थी इन दोनों की संयुक्त सेना को पराजित किया था अब चेलावास के युद्ध में क्या होता है कि ए पैट्रिक लॉरेंस अपनी सेना के साथ में क्रांतिकारियों से युद्ध करते हैं और हार जाते हैं इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण घटना होती है वो घटना ये होती है कि जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मोक मेसन उसको क्रांतिकारियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई यानी उसको मार दिया गया और मारने के बाद में उसके सिर को काटकर आहुआ में घुमाया गया और अंत में आउआवा के किले पर लटका दिया गया था एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है और एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी जा, जाता है क्वेश्चन कि अठारह की क्रांति की समय के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे मोकमेसन थे और ये आउआ विद्रोह में क्या हुए थे मारे गए थे इनका सिर काटकर आऊआ के किले पर लटका दिया गया था पॉइंट क्लियर अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि इसी युद्ध के दौरान इसी युद्ध के बाद में क्या होता है कि आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह थे उनका भी एक कार्य है तो उन्होंने क्या किया कि 10 अक्टूबर अठारह को ये कुछ क्रांतिकारियों को लेकर दिल्ली की ओर चल पड़े थे आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह ठीक है और उन्होंने क्या किया मार्ग में रेवाड़ी पर क्या कर लिया अपना अधिकार कर लिया परंतु 16 नवंबर अठारह को ब्रिगेडियर गेराड के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने इनको क्या किया नारडोल में पराजित कर दिया अब यहाँ से दो क्वेश्चन ये बनते हैं कि किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने रेवाड़ी पर अधिकार किया था तो आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के में और आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह को ब्रिगेडियर गेरार्ड गेरार्ड ने किस स्थान पर, पर पराजित किया था नारडोल में पराजित किया था इसके बाद में शिवनाथ सिंह वापस आलनिया आ गए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था पॉइंट क्लियर यहां तक अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कर्नल होम्स के बारे में आउआ के विद्रोह में कर्नल होम्स का बहुत ही योगदान है कर्नल होम्स का नाम आप अच्छे से याद रखना देखिए इनके नेतृत्व में लॉर्ड कैनिंग जो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय इन्होंने क्या किया कि आउवा में पालनपुर और नसीराबाद की सैनिक टुकड़ियों को की एक विशाल सेना भेजी किन के नेतृत्व में कर्नल होम्स के नेतृत्व में कहाँ पर भेजी आउवा में भेजी ठीक है किसने लॉर्ड कैनिंग ने भेजी पालनपुर और नसीराबाद की सैनिक टुकड़ियों की विशाल सेना आवा में भेजी किसके नेतृत्व में कर्नल होम्स के नेतृत्व में और किसने भेजी लॉर्ड केनिंग ने उसके बाद में 20 जनवरी अठारह को दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ और क्रांतिकारी अंग्रेजी सेना के आगे टिक ना सके ठीक है फलस्वरूप क्या होता है कि विजय की आशा ना पाकर जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे ये तेईस जनवरी को रात्रि में किले का भार अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंप भाग निकले ठीक है पृथ्वी सिंह इनके छोटे भाई थे और ये उस समय लांबिया कला के कौन थे जागीरदार थे पॉइंट क्लियर चौबीस जनवरी अठारह को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किस तारीख को यानी किस तिथि को ब्रिटिश सेना ने के किले पर अधिकार कर लिया था तो 24 जनवरी अठारह को पॉइंट क्लियर यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अब उधर क्या होता है कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत पहले सलूबर कुछ दिन के लिए ठहरे थे उसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कोठारिया के जो जागीरदार थे रावत जोध सिंह के यहाँ पर जाकर क्या ली थी शरण ली थी इम्पोर्टेंट है कि अठारह में आउवा विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किसके यहाँ शरण ली थी तो कोठारिया के जागीरदार रावत जोध सिंह के यहाँ पर शरण ली थी इंपॉर्टेंट है ये भी अब उसके बाद में क्या होता है कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 8 अगस्त अठारह के दिन अंग्रेजों के समक्ष नीमच में क्या किया आत्मसमर्पण कर दिया इंपॉर्टेंट है कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किस स्थान पर आत्मसमर्पण किया था नीमच में किया था और मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक कमिश्नर कमीशन ने इनके खिलाफ जांच की और 10 नवंबर 1860 को उन्हें बिना शर्त के क्या कर दिया गया रिहा कर दिया गया छोड़ दिया गया था 25 जुलाई 1864 को ठाकुर कुशाल सिंह का उदयपुर में क्या हो गया स्वर्गवास हो गया और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय उदयपुर में ही व्यतीत किया था ये बात भी आपको याद रखनी है तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था उदयपुर में ठीक है और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ किस आयोग किसकी अध्यक्षता में एक कमीशन आयोग की स्थापना की गई थी तो मेजर टेलर की अध्यक्षता में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब बात करते हैं आउवा के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखिए जो एग्जाम में कई बार रिपीट होकर पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं देखिए मारवाड़ में अठारह के विद्रोह का सर्व प्रमुख व शक्तिशाली केंद्र था तो आउवा था जो पाली जिले में पड़ता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अठारह की क्रांति में राजपूताना में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रमुख केंद्र क्या था तो वो प्रमुख केंद्र आउवा ही था जो पाली जिले में पड़ता है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि अठारह के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही थी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ये वो मूर्ति है सुगाली माता की मूर्ति है जो महाकाली माता की मानी जाती है काली माँ की मूर्ति मानी जाती है और इस मूर्ति को नाम था सुगाली माता की मूर्ति ठीक है ये आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या है कुलदेवी हैं और इस देवी की प्रतिमा के दस सिर थे और चौवन हाथ थे ये बात याद रखनी है और अठारह की क्रांति के दौरान अजमेर इसे अंग्रेज अज, अंग्रेजी से अजमेर ले गए थे कहाँ ले गए थे अंग्रेजी से अजमेर ले गए थे ये तीनों चारों बातें इस मूर्ति से संबंधित आपको याद रखनी है और ये अठारह के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ के जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या रही थी प्रेरणा स्रोत रही थी बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि अठारह के विद्रोह के समय जोधपुर महाराज तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी तो याद रखना कुशलराज सिंह भी व विजयमल मेहता के नेतृत्व में जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अपनी सेना अजमेर भेजी थी ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में आउवा का विद्रोह किस नेतृत्व में हुआ था तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुआ था ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये थे आउवा के विद्रोह से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में